हल्द्वानी पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान टीपी नगर क्षेत्र में एक वाहन से 102 पेटी अवैध शराब बरामद करके एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमित जोगी सोनीपत हरियाणा से अवैध शराब लेकर हल्द्वानी में सप्लाई करने आ रहा था। बताया जा रहा है कि शराब की बोतलों में आर्मी कैंटीन के रैपर लगाए गए हैं। फिलहाल शराब तस्करी में पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं मामले को लेकर सुनवाते हैं एसएसपी पंकज भट्ट ने क्या कुछ कहा। पुलिस द्वारा जब चेकिंग की गई टीपी नगर चौकी के सामने, तो उसमें 102 पेटी रम ओल्ड मॉन्ग पकड़ी गई है। इसका जो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में इसका बताना है कि ये आपका वहीं बनाते हैं शराब को, और उसके बाद उसमें सीएचडी का रैपर लगाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में सीएचडी की रम की बहुत डिमांड रहती है और इनको मनमाफी कीमत इससे मिल जाती है। इसमें पूर्व में भी 80 पेटी रम पकड़ी गई थी। इसमें इसकी प्योरिटी की भी चेक करवाया जाएगा कि ये वास्तव में प्योर आर्मी रम है या ये नकली शराब है।